की क्लास है। आई होप आपने सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा और जो भी मैं क्लास में समझाती हूँ वो आपको समझ में आता होगा और अच्छे से आप सारा होमवर्क कंप्लीट करते होंगे। ठीक है, हम 4 पॉइंट एडिशन, हमारा 4 चैप्टर चल रहा था, 4.1 और 2 हम कर चुके थे। यह हमारा 4.3 में क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो फिल इन द मिसिंग नंबर्स एंड वर्ड्स। यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिए हैं, उसको आपको क्या करना है, फिल करना है। किस तरीके से फिल करना है, एडिशन चैप्टर है, मीन्स एडिंग करना है। ठीक है, 4364 में कौन सा नंबर हम ऐड करें जो हमारे पास 4364 ही आए, तो हम क्या ऐड करेंगे इसमें, जीरो। अगर हम इसमें जीरो ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारा नंबर सेम एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्या है, सेकंड है हमारे पास 9888 में हमने जीरो ऐड किया तो हमारे पास ये आया, तो किसमें हमने ऐड किया, 9888। ठीक है, इसमें हमने जीरो ऐड किया था, हमारे पास सेम नंबर रह गया था। 9888 में जीरो ऐड करेंगे तो हमारा, किसमें हम जीरो ऐड करेंगे जो हमारा आंसर सेम आएगा, इसमें हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जीरो आएगा। इसमें अगर हम जीरो ऐड करेंगे तो क्या होगा, आंसर सेम होगा। ठीक है, 9999 में हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, आंसर 10,000। इसमें हमें कितने और ऐड करने होंगे, यहाँ पे क्या है 84,380, यहाँ पे क्या 84,400, मीन्स हमें इसमें कितने और ऐड करने होंगे आपको, 20। ठीक है, अभी क्या हमें 1,617 को और 300 को ऐड करना है, तो हम कॉलम में करके, अगर आप ऐसे कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो इसको इन दोनों डिजिट को कॉलम में करके फिर ऐड करेंगे तो आपका ऐड हो जाएगा 7, 6, 3, 9 और 1। हमारा कितना आंसर आएगा, 1,976। और ये क्या है हमारे पास 811 है, उसमें कितना ऐड करना है हमें, 9 ऐड करना है, तो 820। ठीक है, अब ये क्या हमारे पास 99, 139 और 1, तो कितना हो गया हमारे पास 239। इन तीनों को कॉलम में अरेंज करके, किस तरीके से अरेंज करना है, 99, 139 प्लस 1, इसको आप ऐड करो, 9, 9, 18 और 1, 19 का 9, 1 कैरी लगाएंगे, 9 और 1, 10, 11, 12, 13 का 3, 1 कैरी लगाएंगे और ये 2, तो 239 हमारा आंसर आ गया। ये वाली फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, 922 है हमारे पास, 139 और 1, इन तीनों को हमें सेम कॉलम में बिठाना है इस तरीके से, 922, 139 प्लस 1, और हमें ऐड करना है 9 और 1, 10 और 2, 12, 1 कैरी इधर लगाएंगे, 3, 4, 5 और 6 और 9, 10, तो 1,062। आगे चलते हैं, ये हमारी फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ हमारा आंसर नहीं निकला, यहाँ पे क्या है 7,264 को किसके साथ ऐड किया था, यहाँ पे 829 को इसके साथ किया, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 829। ठीक है, अब क्या है हमारा क्वेश्चन, द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड 1 इज इक्वल्स टू, कितने के बराबर है, 1 लाख। ठीक है, किसके के बराबर है ये, 1 लाख। नेक्स्ट आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8649 में क्या ऐड किया, 9,098,745, तो ये हमारे पास दे दिया, इसका सॉल्यूशन नहीं निकला, तो हमें क्या लिखना है, ये 8649, सेम ये डिजिट हमारा इधर आ जाएगा, इसी एडिशन का ये दूसरा रूप है, दोनों को इस तरफ से करें ऐड या इस तरफ से करें, आंसर हमारा सेम आएगा। ये क्या है, 310, 981, 309, तो 981 है, 309 है, हमारे पास क्या नहीं है, 310। इस तरीके से इसको आपको कंप्लीट करना है। अब ये क्या है, द सक्सेसर ऑफ 3899 इज, इसमें क्या करते हैं, सक्सेसर में हम 1 ऐड करते हैं, क्या करते हैं, हम 1 ऐड कर देते हैं, तो 3899 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3900।
ठीक है. आंसर ऑफ एड एडिशन ऑपरेशन इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं हम, सम. द नंबर्स व्हिच कॉल्ड आर बीइंग एडेड आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, एडेड. ये आपकी फिल इन द ब्लैंक से जो आपको कॉपी में करना है 4.3 एक्सरसाइज डाल के, और आज की डेट डाल के आपको कॉपी में ना कंप्लीट करना है. अभी क्या है 4.4 एक्सरसाइज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. द नंबर ऑफ क्या है, हमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड दार्जिलिंग इन 3 मंथ्स, तो क्या है 3 मंथ्स में दार्जिलिंग घूमने जाते कितने लोग, एक साल में मंथ इन अ ईयर वाज एंड फॉलोस अप्रैल में कितने लोग जाते हैं 6,346, मई में कितने जाते इतने, जून में इतने. हाउ मेनी पीपल विजिटेड दार्जिलिंग ड्यूरिंग द 3 मंथ्स, 3 महीने में कुल कितने विजिटेड वहां के लिए वहां पर घूमने गए, तो हमें क्या करना है इसमें ऐड करना है. इसको सॉल्यूशन करते हैं हम. इन अप्रैल मंथ, अप्रैल मंथ में कितने विजिटर्स गए, विजिटर्स कितने, नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटेड इन मई मंथ इक्वल्स टू कितने गए 23,435. सेम नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटेड इन जून मंथ वाज़ टू 19,429. सो क्या करना है आपको, सबको ऐड कर लेना है. 6,346 कॉलम में करना है, वंस की प्लेस पे 5, 3, 4, 3, 2, नीचे इसको भी वंस की प्लेस पे 2, 4, 9, 1. आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है, ठीक है. डिजिट के नीचे डिजिट 6 और 5 11 और 9 20 का 0, 2 कैरी लगाएंगे 4 और 2 6 7 8 9 10 11 का 1 1 इधर कैरी लगाएंगे 3 और 1 4 4 8 और 4 9 10 11 12 का 2 1 इधर कैरी लगाएंगे 6 7 8 9 10 10 और 9 19 का 9 1 इधर कैरी लगाएंगे 2 1 3 और 4. हमारा आंसर क्या है, इसका आंसर मैंने यहाँ पे स्पेस दी है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ. हैंस नंबर ऑफ पीपल विजिटेड दार्जिलिंग, यहाँ करना है आपको टोटल नंबर ऑफ विजिटेड दार्जिलिंग ड्यूरिंग दी 3 मंथ्स, कितना आंसर आया हमारा 49,210. ये हमारा आंसर है, ये आपका वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया. नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटेड इन अप्रैल मंथ, आप मई मंथ भी लिख सकते हैं, जून भी लिख सकते हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है अगर नहीं लिखना, ठीक है. इतना भी लिखेंगे तो आप करेक्ट है, मई मंथ जून मंथ. सो उसके बाद आपको ये ऐड करना है, उसके बाद हैंस करके टोटल नंबर ऑफ विजिटेड दार्जिलिंग ड्यूरिंग दी 3 मंथ्स, तो ये आपका आंसर हो गया. सेकेंड क्वेश्चन करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन करते हैं वर्ड प्रॉब्लम की. मिस्टर बासु हैज अ शॉप इन कोलकाता, मिस्टर बासु के पास एक शॉप है कोलकाता में. ही सोल्ड 45,136 ऑफ गुड्स इन जनवरी, जनवरी में कितनी सेल हुई इसने 45,136, फरवरी में कितनी सेल हुई इसकी 39,426 और मार्च में कितना किया. तो हाउ मच डिड ही सेल इन 3 मंथ्स, तो क्या करेंगे नंबर ऑफ सोल्ड इन जनवरी मंथ. कितना क्या था 45,136 इन फरवरी मंथ,
मार्च में कितना क्या है 38,545। सो कितना मालूम करना है उसने तीनों में कितना किया है, तो आपको क्या करना है 45,136 प्लस 39,426 38,545। क्या करना है आपको, ये ऐड करना है 606 कितना होगा 12 12 5 17 का 7 वन कैरी लगाएंगे, 3 1 4 5 6 6 4 10 का 0 वन कैरी लगाएंगे, 1 1 2 2 4 6 6 5 11 वन इधर कैरी लगाएंगे, 5 1 6 6 9 कितने होते हैं 15 15 और 8 हमारा कितना हो जाएगा 23 का 3 2 कैरी लगाएंगे, 4 2 6 7 8 9 10 11 12 तो हमारा कितना आ जाएगा टोटल से हमारा कितना आ जाएगा 1,23,107। कितने शेयर हो गए हमारे पास, हैंस टोटल निकल
रिजल्ट आ जाएगा कि टोटल हमारे थर्ड कैंडिडेट ने कितने वोट्स लिए हैं। 9, 10, 11 का 1, 1 के अंदर लगाएंगे 6, 6, 12, 1, 13, 1 इधर के अंदर लगाएंगे 9 और 1, 10 और 9, 19, 1 इधर कैरी, इधर 5, 6, 4, 10, इधर 2। तो इतने वोट्स हमारे थर्ड कैंडिडेट ने जीते हैं। ठीक है, ये आपको रफ में करना है और इधर ओनली आपको आंसर लिखना है। ये वर्क जो है रफ में करके आपका आंसर कितना निकला है, इतने वोट्स वो जीता है। बी इसका क्या है, फोर्थ कैंडिडेट क्या है, फोर्थ कैंडिडेट ने कितना लिया है 22,761, किससे, सेकंड कैंडिडेट से इतने ज्यादा है। तो सेकंड कैंडिडेट का कितना है ये, और ये नंबर आप ऐड करेंगे तो आपका सेकंड का निकल कर आ जाएगा कि टोटल कितना सेकंड वाले ने किया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी। बी क्या है, नेम द कैंडिडेट हु गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, किस कैंडिडेट ने सबसे ज्यादा नंबर लिए। तो कौन से कैंडिडेट ने, ये आंसर लिख रही हूं मैं, बी का क्वेश्चन नहीं लिखा है, फोर्थ कैंडिडेट, किस कैंडिडेट ने क्या है, फोर्थ कैंडिडेट ने, ये आंसर है, आपको क्वेश्चन भी लिखना है सी। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल इन इलेक्शन, पूरा टोटल नंबर हमें बताना है कि कितने वोट्स टोटल पोल में हुए हैं। और ये डी का आंसर है हमारा, नेम द कैंडिडेट हु गॉट द लीस्ट नंबर, सबसे कम वोट्स किसको मिले हैं, फर्स्ट कैंडिडेट को, किसको मिले हैं, फर्स्ट कैंडिडेट को। ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चन लिख कर फिर इसको सॉल्व करना है, मैंने आंसर लिख दिया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था जो कि पैराग्राफ्स में दिया हुआ है, फर्स्ट कैंडिडेट ने कितना लिया, सेकंड ने इतने किया था, थर्ड इतने, फोर्थ ने, और सेकंड थर्ड वाले ने जो है फर्स्ट से ज्यादा किए थे इतने, और इसने क्या था, इसका टोटल नंबर हमने क्या किया, दोनों को ऐड करके ये आंसर निकला, सेकंड को और फोर्थ को ऐड किया तो हमारा ये आंसर निकला, और दोनों में सबसे ज्यादा किसने किए, फोर्थ वाले कैंडिडेट के साथ ज्यादा वोट्स लिए, और सी टोटल पोल हमारे टोटल वोट्स कितने हुए थे, और डी फर्स्ट कैंडिडेट जो है वो सबसे लीस्ट नंबर पर। ये आपका होमवर्क है, कंप्लीट करना है 4.3 और 4.4, इसमें क्वेश्चन 4 और 5 आपको खुद करना है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ओके, बाय, थैंक यू, टेक केयर।